रमजान आने वाला साहब, मैं रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। कर सकते हैं भाई, तो हमें आ रहा हूँ, आप आ रहे हैं बैठ कर लेते बात। कब आ रहे हैं आप? मैं बस आ रहा हूँ, आ रहे हैं मुझे परसों आ रहा हूँ, परसों आ रहे हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अहमद नसीर है और आप इस वक्त देख रहे हैं अहमद नसीर चैनल। आपसे इंतहाई ज़रूरी बात मैं करना चाहता हूं और आपको कुछ क्लिप भी दिखलाना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के बड़े सियासतदान, बड़े एंकर, बड़े मेज़बान, बड़े मुकर्रर जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब अब हम में नहीं रहे। अल्लाह तबारक व तआला अगर एक रहमत करे। और अभी ख़बरें भी सुनने में आ रही हैं कि उनके पोस्टमार्टम के हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी के मामलात फरमाए। और अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है या जैसा कि खबरों में सुनने को मिल रहा है कि उनको कत्ल किया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इंसाफ दिलाए। और मैं इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि आप इस वाक़े की तहकीक कीजिए। और जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब, चूँकि वो सिटिंग MNA थे, वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थी और वो मौजूदा MNA थे, आप इस वाक़े को बाग़ौर देखिए, बाग़ौर पढ़िए और आमिर लियाकत हुसैन साहब की पुर इसरार मौत पर आप तहकीक कीजिए। क्योंकि आप स्पीकर कौमी असम्बली हैं तो आप अपने सिटिंग MNA के हक़ में आवाज़ बुलंद कीजिए, ये मैं आपसे अर्ज़ गुज़ार। इसके बाद नाज़रीन मोहतरम, वो अपने कुछ निजी मामलात को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मीडिया में भी उनको काम नहीं मिल रहा था। अगर मीडिया में काम मिल जाता तो उनका ध्यान बढ़ जाता, उनका दिल लग जाता, क्योंकि उनकी फैमिली तो नाज़रीन देखने वाले थे ना, जो उनको देखते थे, जो उनको सुनते थे, उनकी फैमिली तो वही थी। उनकी जो फैमिली थी वो तो टूट फूट का शिकार थी, मगर अगर काम उनको मीडिया में मिल जाता तो शायद उनका दिल लग जाता, बल्कि यकीनन उनका दिल लग जाता और वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाते। बताया जाता है कि डिप्रेशन का शिकार थे, बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार थे, मगर डिप्रेशन से किसी का इंतकाल हो जाना ये बहुत अजीब सी बात है। और जो पुरुषरार मौत, अचानक से इंतकाल, वो तो मजबूत आसाब के मालिक थे। बहरहाल एक क्लिप देखिए जिस क्लिप में उनकी हालत पर रहम आ रहा है और वो ये फरमा रहे हैं कि मैं रमज़ान के लिए तमाम मीडिया चैनल्स वालों से कहता रहा मगर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ज़रा वीडियो देख लीजिए। रमज़ान आने वाला साहब, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो क्लिप से पहले मैं उनसे ये अर्ज़ करता रहा कि आमिर भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे अजीम भाई, ये बेवफा दुनिया आपको काम शायद इस बार ना दे, तो हम यूँ करते हैं, एक नया ट्रेंड सेट करते हैं। चूँकि पहले भी आप ट्रेंड सेटर रहे, आपको देखकर हर न्यूज़ चैनल ने, हर इंटरटेनमेंट चैनल ने रमज़ान शुरू किया, तो इस बार भी आप रमज़ान कीजिए मगर ट्रेंड चेंज कीजिए। आप रमज़ान करेंगे तो अगले साल लोग इस रमज़ान के बजाय ऐसा रमज़ान करेंगे जैसा हम इस साल करेंगे। मैंने अपनी तजवीज़ दी, वो तजवीज़ क्या थी आपको एक कॉल में सुनाता हूँ कि जब मैंने उनको ये मैसेज किया कि मैं आपको एक तजवीज़ देना चाहता हूँ इस हवाले से, तो उन्होंने मुझको कॉल की और उस कॉल में क्या बातें हुई ज़रा सुन लीजिए। कि भाई अगर आप हर रोज़ के मुझको कुछ मिनट दें भाई, तो हम YouTube चैनल से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं भाई। तो मैं आ रहा हूँ, आप आ रहे हैं बैठ कर लेते बात। कब आ रहे हैं आप? मैं बस आ रहा हूँ, आ रहे हैं मुझे परसों आ रहा हूँ। परसों आ रहे हैं? तो परसों फिर मिलें, मुलाकात करें, परसों फिर मुलाकात कर लें। चलें ठीक है भाई। असल में मैं वो बहुत टेंस था यार एक मामले को लेकर। रमजान कर लेते हैं भाई, या कुछ भी ऐसा सीन कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो माशाल्लाह जो आपका चैनल है वो बहुत ज्यादा भाई अर्न दे सकता है भाई आपको। चले ठीक है भाई, ठीक है भाई, आप बताइएगा मुझको। जी नासिर, आप इस वक्त सुन सकते हैं कि मैंने ये अर्ज की और तजवीज़ दी कि अगर हम सोशल मीडिया यानी आपके YouTube चैनल पर इस रमज़ान ट्रांसमिशन को चलाएं, ऑन एयर करें, या हम मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाकर अपने कुछ सेगमेंट्स रखें, तो हम बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं।
तो उन्होंने फरमाया कि अभी इस्लामाबाद आऊँगा तो इस्लामाबाद में हम बात करेंगे इस हवाले से, मगर उसके बाद फिर वो मसरूफियत का शिकार हो गए और डिप्रेशन में घिर गए। नाज़रीन, जो मोहब्बत करते हैं वो दिख जाते हैं और मोहब्बत करने वाले छुपे नहीं रहते। और आमिर लियाकत हुसैन साहब से जो मेरी मोहब्बत थी और वो जिस तरीके से मुझसे मोहब्बत करते थे, आई कांट डिस्क्राइब माई फीलिंग्स इन माई वर्ड्स। मैं अपने जज्बात का इजहार अपने लफ्ज़ों में नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया भर की तमाम डिक्शनरीज के तमाम भी लफ्ज़ आमियाना और कम महसूस होते हैं मुझे अपने मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार करने के लिए, उनसे जो मेरी मोहब्बत थी और जिस तरीके से वह मुझसे मोहब्बत करते थे। बहरहाल अल्लाह करे के रहमत करे और इंसाफ के मामलात फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल से उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मैं अपने मुल्क की पाक अदलिया से इस वक्त अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं स्पीकर कौमी असम्बली से इस वक्त अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों से इस वक्त अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उनके साथ ज़्यादती हुई और उनको कत्ल किया गया, जैसा कि कुछ एक्सरसाइज रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, इस पर बाग़ौर तहकीक की जाए और उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए अगर इस बात में कुछ हकीकत है, चूँकि पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त तो दायर कर दी गई है। पैगाम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।